बहादुरपुर में और सोनिया गांधी का मैं बहुत कायल हूं साथ में। जब वो अध्यक्ष थी 2004 में, मैं हम जैसे 15-20 लोगों को बुलाया, उन्होंने दिल्ली बुलाया और टेबल बैठा के पूछा कि आप सब कम उम्र के लोग, नौजवान हो, 23-24-26 साल के लोग हो, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बनने जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। उस टाइम वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कि इस मैनिफेस्टो में क्या लिखना चाहिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नौजवानों के अरमान क्या है, आपकी अपेक्षा क्या है, उम्मीदें क्या है, मुझे बताओ ताकि मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखूं उन बातों को। ये सोच होती है लोगों को साथ लेने की। इसलिए आप सबसे निवेदन है जो मंच पे बैठे हैं, खड़े हुए सब विधायक, हम सब बन बना गए और हमें आप सबका सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी का सोचना चाहिए, उनको हमारे अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए। हमने जो सही किया, जो गलत किया, उसका लाभ आपको मिले। अरे तुम क्यों ठोकर खाकर उठो भैया, हम बता देंगे आपको कहां से रास्ता निकलना है। ये उपाय एक अगली पीढ़ी को संभालने का, सुजोने का, सहायता देने का, सहयोग देने का, समर्थन देने का भाव, उस भाव से हम काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज आप सब लोगों ने अभी देखा, मैंने आज गर्मी ज्यादा हो गई, पहले ठंड थी 3-4 दिनों में, अभी गर्मी ज्यादा हो गई। लेकिन आप सब नौजवान साथी हो, मैं आपको पुनः वादा करके जाता हूं, हम सब राजनीति में जो लोग काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आप सब लोगों को आश्वासन देकर जाता हूं, आपकी हर जरूरत के लिए, हर वाजिब मांग के लिए, जो आपकी जरूरतें होंगी, आपकी वाजिब मांग होगी, और मेरी उम्मीद है, मेरी कोशिश है, मेरी तमन्ना है कि आप सबके जीवन को कुछ बेहतर मैं बना सकूं। और जब जब मुझे मौका मिला, मैंने करने की कोशिश की है। भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके साथ था, हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बताना चाह रहा हूं, पिछले 5 दिनों से मैं अलग अलग जिलों में गया हूं और मैं किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुत ऐसे संवाद किया, बहुत लंबे लंबे भाषण दिए, लेकिन सही में जितना मजा मुझे आज आया है, इतना मजा पहली मीटिंग में नहीं आया। तो मेरे साथ जोरदार नारा दो ताकि हमारी एकजुटता और यहाँ जाति, बिरादरी, भाषा सब बातों को भूल जाओ, जोरदार नारा दो ताकि पूरा देश हमारी बात को सुन सके। भारत माता की जय।